till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving. कार बोलती है, लोग कहते हैं कि कार कैसे बोलेगी भाई, कार बोलती है, उसकी भाषा अलग है। उसने बताया कि मैं मेरी रबड़ खराब हो रही है, अंकित तो समझ में आ गया। हाँ, वो अगर आप वॉल्यूम रखेंगे नॉर्मल, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कार में कुछ गड़बड़ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्राइव विद सन चैनल। आज हम फिर आपके साथ हैं टाटा टिगो XCNG के साथ में। जो हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारी पांचवी सर्विस ड्यू है 33,000 रुपये, तो आज हम वो सर्विस करा चुके हैं। तो हम ये वीडियो इसलिए ला रहे हैं आपके सामने ताकि सर्विस में मुझे क्या क्या चीज़ों का पता चला और क्या चीज़ें करानी चाहिए जो आपको भी पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहले हम आपको बात करते हैं इंजन। पहली बात, अंकित ने कैरियर हटा दिया। हाँ, अब ये फ्रेंड्स ये बताइएगा बिना कैरियर के कैसी लग रही है मेरी कार, पहले कैसी लग रही थी और अब कैसी लग रही है? नहीं, वो एक्चुअली बहुत कम टाइम के लिए अंकित ने लगाया था क्योंकि कहीं मैरिज फंक्शन था, उसमें जाना था। हाँ। ज्यादा लगेज था। मैं भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कहीं जाना नहीं है तो आप उसको लगा के रखिए। हाँ, वो इसी टू स्टॉलर कभी भी लगा सकता हूँ, कभी हटा सकता हूं। अंकित, पहले तो जैसे 35,000 के आसपास आपकी कार चल गई है, 34,000 34,300, क्या सर्विस कॉस्ट क्या आई है? देखो, इसमें एक्चुअल जो सर्विस कॉस्ट आई थी वो 9,000 के आसपास इन्होंने मेरा बिल बनाया था टोटल जो, लेकिन उसमें मैंने डिस्काउंट ले लिया था। 9,000 तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड हम वीडियो बनाना चाहिए कि आपको उसमें क्या क्या ऐड किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कुछ चीजें फालतू की ऐड करी थी, तो मैंने एक भैया थे वहाँ जाने वाले, मैंने उनसे बात करके उन्होंने ऑलमोस्ट 2,000 का डिस्काउंट करा दिया। आपकी 7,000 के आसपास पड़ा, स्टिल मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा कॉस्टिंग है। मुझे भी लगा जब मैं दिए, तो हम उसके ऊपर एक बार हम ब्रेकअप देखेंगे कि क्या क्या यूज हुआ है। लेकिन अच्छा, इसमें मुझे एक चीज अच्छी लगी जब उन्होंने जो सर्विस की, मैं इसमें हल्की सी नॉइज आ रही थी और गियर के पास में थोड़ा वाइब्रेशन सा मुझे फील हुआ था। अच्छा, मतलब थोड़ा ज्यादा था। तो मैं जब इन्हें बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देख लेंगे। जब इन्होंने प्रॉपर सर्विस कर रहे थे, इन्होंने मुझे कॉल करा, मैं ऊपर रिसेप्शन एरिया में बैठा था, उन्होंने कहा आप एक बार नीचे आइए। मैं पता नहीं क्या हो गया मेरी कार में, तो उन्होंने कहा सर एक रबड़ टूटी हुई है, ये आपकी रबड़ क्रैक है रबड़ में, और वो होती है इंजन माउंट करके। अच्छा, इंजन माउंटिंग रबड़। हाँ, इंजन माउंटिंग जो एक्चुअली में आपका इंजन रखा होता है। टोटल चार रबड़े होती है मेरे हिसाब से, ये चार ब्लॉक से होते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन था कितने की है, तो उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, ये वारंटी में है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट उसकी जो कॉस्ट थी 1,500 से 2,000 के आसपास उसकी माउंट की कॉस्ट थी। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज मैंने भी और वीडियोस में पहले भी बोला हुआ है कि जब आप कभी कार स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में या जब निकालते हैं, 5 मिनट के लिए ना म्यूजिक को थोड़ा सा कम रखिए, हो सके तो एसी के भी फैन की स्पीड को कम करिए और देखिए कि कार में से कोई नॉकिंग की आवाज, कुछ खट खट खट, कुछ ऐसा तो नहीं है जो अनयूजुअल है। अगर है तो उस चीज को इग्नोर मत मारिए। आपको नहीं समझ में आता है तो किसी मैकेनिक को दिखा लीजिए, जैसे अंकित के साथ हुआ। अनुमान नई गाड़ियों में ऐसे कोई बड़े डिफेक्ट नहीं निकल के आते हैं, बट ये सब वियर एंड टीयर का पार्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर एक रबड़ खराब थी इनकी माउंटिंग की, जिससे इंजन थोड़ा हिल भी रहा था। मतलब जैसे स्टार्ट करते इंजन का जो बैलेंसिंग होती है ना, वो हल्की सी ज्यादा हिल रही, थोड़ा सा इंजन हिलने की आवाज थी और प्लस अंदर थोड़ी सी आवाज आ रही थी। तो टाइम रहते अंकित को समझ में आ गया, अंकित ने वो चीज दिखा दी तो उसको वो वारंटी के अंदर ही रिप्लेस हो गया। सबसे अच्छी बात ये है, उस पे क्रैक था, मतलब ऐसी नहीं थी रबड़ बिल्कुल टूटी हुई थी, खत्म नहीं है, क्रैक था। उन्होंने उस क्रैक को भी मेजर इशू समझ के उसे तुरंत रिप्लेस कर दिया। बट अंकित, ऐसा हो सकता है कि आप उसको अगर नहीं ध्यान देते और कंटिन्यू करते रहते हो सकता है रबड़ खत्म टूट जाती है और इंजन हो सकता है ज्यादा अपनी जगह से डिसबैलेंस हो जाता है, कभी कुछ और दिक्कत। बेटर है कि अगर ऐसी कुछ आपको आवाज आ रही है तो अपना यही होता है कि अपना सर्विस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं एक चीज कहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि शायद और लोग भी ट्राई करें, मुझे लगता है कि वो सही है। जब आप मॉर्निंग में पहली बार कार स्टार्ट करें तो स्टार्ट करते तुरंत रेस देके नहीं चलना चाहिए। आप कार स्टार्ट करें 2 मिनट के लिए आइडल स्टॉप पे, ताकि इंजन थोड़ा स्मूथ हो जाता है। मुझे उसको वैसे कहा भी जाता है कि कोल्ड स्टार्ट करो, थोड़ी देर उसको स्टार्ट रहने दो। हाँ। मत एकदम से, मतलब कई लोग होते हैं कि चल दिए, वो नहीं, मतलब ताकि इंजन, मुझे ऐसा लगता है इंजन ऑयल पूरे में सर्कुलेट हो जाना चाहिए, तब उस पर लोड डालना चाहिए। नहीं, इसके 2-3 रीजन है। एक ये भी है, सेकंड चीज मैंने आपको बताया कि जब कार चलाओ तो एकदम से तेज म्यूजिक मत चलाओ। हाँ। स्टार्टिंग में 5 मिनट कार को दे दो। हाँ। कार आपकी है भाई, उसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो। कार बोलती है, लोग कहते हैं कि कार कैसे बोलेगी भाई, कार बोलती है, उसकी भाषा अलग है। उसने बताया कि मैं मेरी रबड़ खराब हो रही है, अंकित तो समझ में आ गया। वो अगर आप वॉल्यूम रखेंगे नॉर्मल, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कार में कुछ गड़बड़ है, अगर आप कार लवर है तो अच्छा। तो अंकित, जैसे आप बता रहे हो कि ये चीज हुई, आपका भी वारंटी में था। हाँ हाँ। वारंटी आपकी कब तक है कार की? वारंटी अच्छी, उन्होंने मुझे 2 साल की दी है और किलोमीटर स्टैंडर्ड होते हैं इनके, 1,00,000 किलोमीटर 2 साल ऐसा होता है। तो ऑलमोस्ट मेरी वारंटी 2 साल की है अभी जो मेरे हाथ में है, लेकिन मैं इसे बढ़ाने वाला हूँ, 3 साल की और लेने वाला हूँ इनसे एक्सटेंडेड। हाँ, वो मेरे लिए कंपलसरी इसलिए क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज्यादा है, प्लस मुझे जब ये रबड़ खराब हुई ना और वारंटी में एक्सचेंज हुआ, मुझे लगा मैं वसूल कर लूंगा,
नहीं, ये चीज मैं भी कहूंगा उन लोगों के लिए जो देखिए कार बहुत कम चलाते हैं, जिनकी साल में 5-1 हज़ार भी नहीं चलती है, उनको तो मैं नहीं कहूंगा कि आप जाइए एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। लेकिन जो लोग ज्यादा यूज करते हैं या जिनकी एक ही कार है और उनको लगता है कि मेरे को बड़े खर्चों से बचना है, तो आप एक बारी के 20-25 थाउजेंड मत देखिए। जो अलग अलग जगहों के रेट अलग अलग होंगे, नोएडा का जो रेट है ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास उन्होंने कोट किया था, वो इस टाइम का रेट हो सकता है आगे बढ़े या घटे। बट उससे होता क्या है कि अगर आपकी कार में कोई बड़ा खर्चा आ गया, मान लीजिए कभी रेडिएटर का फैन खराब हो जाता है, किसी का रेडिएटर का पार्ट खराब हो जाता है, एक्चुअल वो खर्चे बहुत बड़े होते हैं। उन्होंने जो वारंटी में कवर कर रहे हैं वो गियर बक्सा कवर कर रहे हैं, स्टीयरिंग रॉड होती है वो पूरी कवर कर रहे हैं, इंजन कवर कर रहे हैं, जो मेजर चीजें वो तो यही है। मान लो कभी गियर बक्सा, मेरे अल्टो थी उसका गियर बक्सा में एक बार कभी दिक्कत आई थी, तो मैंने पूछा कितने का आता है, उन्होंने कहा 35,000 का है। नहीं, वो तो चलो पूरा ही नया डाल रहे थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप डेली यूज करते हैं, आप अपने विंडो ऊपर नीचे करते हैं, विंडो की एक मोटर होती है, एक मोटर होती है ना, आपकी स्टेयरिंग रॉड होती है, जंपिंग रॉड हो गई आपकी, रेडिएटर फैन हो गया, रेडिएटर प्रॉपर खुद से हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। ये अगर विद इन वारंटी आप चेंज कराओगे तो आपको एक हेडेक कम हो जाता है, फील अच्छा लगता है जब आपको पार्ट चेंज हो रहा है, आपको पैसे ना देने पड़े। तो देख लीजिए फ्रेंड, ये 34,000 चल गई है अब कार पूरी, 34,375। तो मतलब टारगेट अचीव करेंगे 50,000 का जल्दी। असल मुझे एक वहाँ पे अल्ट्रोज वाला मिला था लड़का, उसकी भी ऑलमोस्ट 35 थी, कह था एक महीने के अंदर मैं 40 खुदा दूंगा, मैं कहा भाई कंपटीशन चल रहा है क्या किसी से तुम्हारा। तो ये अच्छी चीज है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ज्यादा ड्राइव करते हैं अपनी कार को, या फिर आपको चाहिए कि मेरे को बड़े खर्चे नहीं चाहिए, तो आप प्लीज एक्सटेंडेड वारंटी देख लीजिए। मेरे हिसाब से भी एक्सटेंडेड वारंटी होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आपको वारंटी में कभी कोई आप लैपटॉप भी खरीदते हैं तो उसमें भी कंपनी एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी 2 साल की और देती है। अब वॉशिंग मशीन खरीदने गए उसमें भी आजकल ऑफर किया जा रहा है एक्सटेंडेड वारंटी का, हर चीज पे आपको एक्सटेंडेड वारंटी का ऑफर किया जाता है। लैपटॉप से मुझे एक चीज और ध्यान में आ गई है कि अंकित एक शॉप ओन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की, और नोएडा में अगर आप रहते हैं और आपको नोएडा गाजियाबाद में कभी कोई इशू आता है अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कोई पुराने लैपटॉप यूज कर रहे हैं उन्हें अपग्रेड कराना है, जैसे होते हैं बच्चों के लिए लैपटॉप लिए रखा है वो पहले उतना पावरफुल नहीं था, अब आपको चाहिए रैम बढ़वानी है, मेरे को हार्ड डिस्क बढ़वानी है, कुछ भी है आपको लगता है, आपको कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, कोई सजेशन भी है, इवन आप मेरा कार्ड देख सकते हैं और भैया नंबर फ्लैश कर देंगे मेरा, आप कभी भी कॉल करके कोई सजेशन भी ले सकते हैं। अगर आप नया लैपटॉप खरीदने जा भी रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या बेस्ट है, तो आप कॉल करके सजेशन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्जेस नहीं। गौर सिटी में शॉप है और आपको अगर कुछ लगता है तो होम से पिकअप डिलीवरी हो जाती है, तो प्लीज सर्विस का यूज करके देखिए एक बारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और ऐसी बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, और वीडियोस लाते रहेंगे हम लोग।